वेलकम टू द कुमार बायोलॉजी क्लासेस। क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट थ्रू दिस टेक्निक, मतलब कि माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा प्लांट को प्रोड्यूस करने में क्या हमें एडवांटेज मिलता है। एक फटाफट स्टार्ट करते हैं क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इज ए टिश्यू कल्चर टेक्निक दैट यूज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन टू प्रोड्यूस मेनी प्रोजेनी प्लांट। मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन एक टिश्यू कल्चर है जिसमें क्या होता है कि या फिर उसका एक ऑर्गन ले लिया जाए या फिर उसका टिश्यू है ना, उसके द्वारा बहुत सारा प्लांट को प्रोड्यूस किया, उसे क्या कहते हैं हम टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन। द प्रोसेस इज डन इन क्लोज वेसल्स अंडर एसेप्टिक कंडीशन। ये प्रोसेस को एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है ना, क्लोज वेसल्स में। एसेप्टिक कंडीशन मतलब क्या, जो कि पैथोजन फ्री हो है ना, यहां पर हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस नहीं आ सके, उसे क्या कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन। द प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द कल्चर मीडिया डेट कॉन्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर है ना, और वो जो वेसल्स है उसमें क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में होता है क्या कंटेंट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, मतलब क्या बोल रहा है कि वैसा मीडियम जहां पर हमें उस जो प्लांट है उसे ग्रोथ के लिए हम प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन दे रहे और उसका हार्मोन्स दे रहे ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये माइक्रो प्रोपोगेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब कि आप माइक्रो प्रोपोगेशन कैसे करेंगे। टेकिंग अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द केयरफुली चूजन द पेरिफेरल मदर प्लांट है ना, मतलब वैसा प्लांट चूज करेंगे जिससे हमें नया प्रोजेनी उत्पन्न करना है, मतलब डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है। ग्रोइंग द टिश्यू अंडर लेबोरेटरी कंडीशन है ना, अब उसका टिश्यू या ऑर्गन लेना है और उसे लेबोरेटरी में हमें तैयार करना है। कैसे करना है, उसका कुछ भाग कट कर लेना है और उसको वेसल्स में प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन में हमको रखना है। प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इन विट्रो बाय एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब इन विट्रो मतलब एक ग्लास का ट्यूब होता है ना, उसमें बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि उसका खुद का टिश्यू कट करके उसे लगाया जाता है और उसी से क्या होता है नया प्रोजेनी या फिर नया प्लांट डेवलप होता है। Producing thousands of millions of plants to transfer to the field microbe in vitro, this means in glass. The plant are grown in culture media that contain nutrition and growth regulator. मतलब क्या बोल रहा है कि इसके द्वारा millions of plant को क्या किया तैयार किया जाता है ना, इसके द्वारा माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा इन विट्रो मतलब ग्लास में, और उसमें क्या हमें प्लांट को ग्रोथ होने के लिए प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन और उसका हार्मोन्स दिया जाता है ताकि ग्रोथ अच्छा से कर सके, अच्छा से बढ़ सके, बीमारी फ्री हो सके है ना। इसमें के लिए क्या आते हैं हम उसको न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ रेगुलेटर इन एसेप्टिक कंडीशन बहुत जरूरी है। आगे अब ये क्या है दिखाया गया है ना कि कैसे कैसे माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है। पहला है टिश्यू सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट्स एंड इट्स एस्ट्रोलाइज, मतलब क्या क्या है, हम ऐसा प्लांट को चूज कर रहे हैं, ऐसा मदर प्लांट को चूज कर रहे हैं जिससे हमें माइक्रो प्रोपोगेशन करवाना है ना, लार्ज मात्रा में प्लांट को प्रोड्यूस करवाना है टिश्यू कल्चर के द्वारा है ना। तो क्या करेंगे, पहले उसका एक टिश्यू या फिर ऑर्गन को कट कर लेंगे, उसके बाद ग्रो ऑन एन एस्ट्रोलाइज अगर जेल एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स है ना। अब क्या करेंगे, अब उसको क्या करेंगे एस्ट्रोलाइज कंडीशन में लाएंगे,
ग्रो इन अस्टोराइज अगर जेल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब दूसरा में क्या है, अब उसके एक कंटेनर में लाएंगे, है ना, उसमें न्यूट्रिशन डालेंगे और कुछ जेल्स वगैरह डालेंगे जो कि प्लांट के लिए क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर तीसरा, टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगर ग्रोथ इन मीडियम कंटेन न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ हार्मोन्स टू ट्रिगर शूट डेवलपमेंट, रूट और शूट डेवलपमेंट। मतलब क्या, अब उस जेल्स में, उस इन्वायरमेंट में, ग्लास में हम कुछ न्यूट्रिएंट्स डालेंगे और ग्रोथ हार्मोन डालेंगे। हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, जो क्या करता है, रूट और शूट को डेवलप होने में मदद करता है। अब क्या है, डेवलपमेंट इनटू अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब क्या है, जो सेल एक लिए थे या फिर टिश्यू लिए थे, अब वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा, मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है तीसरा, चौथा, सैंपल डेवलप इनटू टिनी प्लांटलेट्स। अब क्या हो रहा है, जो सेल बहुत सारा डेवलप कर गया है, अब उसके द्वारा हर एक सेल से हर एक पौधा प्लांट्स क्या करेगा, डेवलप करेगा। फिर आया ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवाइडेड एंड सेपरेट इनटू ए न्यू ग्रोथ मीडियम टू द फॉर्म ए न्यू सैंपल। अब जो जो सेल्स डिफरेंशिएट हुआ है और हर एक सेल क्या करेगा, अब अपना नया नया प्लांट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर शूट एंड रूट ग्रो, क्लोन प्लांट्स ग्रो इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट कंडीशन। अब क्या है, क्लोन क्या है, क्लोन वैसा है जो सेम टू सेम अपने पेरेंट पर चल जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं, क्लोन। अब क्या है, अब जो रूट और शूट क्या करेगा, अब ज़्यादा डेवलपमेंट करके अब एक छोटा छोटा प्लांट्स में, छोटा प्लांट्स क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा। इसे क्या कह रहे हैं, माइक्रो प्रोपिगेशन का एक प्रोसेस है, कैसे कैसे हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक। अगला, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है माइक्रो प्रोपिगेशन का, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। मतलब क्या, बहुत सारा पौधा एक शॉर्ट लाइफ स्पैन टाइम में क्या करें, हम ग्रोथ करवा रहे हैं। अभी कैसे करवा रहे थे, लैब में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हार्मोन देकर जल्दी जल्दी हम क्या कर रहे थे, उसको ग्रो करवा रहे थे। प्रोड्यूसिंग प्लांट डाइट आर पैथोजन फ्री एंड आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट। मतलब मदर आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट करने का मतलब क्या है, क्लोन, सेम टू सेम मदर प्लांट के जैसा हम उसको क्या करें, ग्रो करवा रहे हैं। पैथोजन फ्री मतलब क्या, एसेप्टिक कंडीशन, मतलब क्या, उस पेड़ पौधा में हमें कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसिंग हेल्थियर प्लांटलेट्स एंड बेटर डिजीज रेसिस्टिंग पावर्स। अब उस प्लांट के पास क्या होगा, बीमारी से लड़ने के खास एक पावर होगा, है ना, उस प्लांट में कोई भी डिजीज नहीं आ सकता। प्रिजर्विंग जेनेटिक करेक्टरिस्टिक इन द प्रोपगेटेड सीड। अब उससे जो सीड होगा उसमें एक खास तरह का क्या होगा, जेनेटिक करेक्टर होगा। जेनेटिक करेक्टर मतलब क्या, जैसे कि अभी लोग सीड ला रहे हैं, कहाँ, सरकार दे रहा है, ठीक है, उसमें क्या किया, लैब में माइक्रो प्रोपगेशन करा कर दिलवा रहा है। मतलब कि उस जो सीड होगा, उस प्लांट होगा, उसमें किसी खास तरह की बीमारी नहीं होगा। कोई कीड़ा मकोड़ा, जैसे कि होता है ना कि पैथोजेंस वगैरह आके लग गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, उसको खा गया, पूरा पेड़ को बर्बाद कर दिया, है ना, वो चीज नहीं होने देगा। प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड, अब एक वजह ये भी है ना, क्या कि हाई यील्ड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके, ज़्यादा ज़्यादा हमें यील्ड दे सके, ठीक। प्रोड्यूसिंग सीजनल प्लांट थ्रू द ईयर, है ना, ऐसे तैयार करना है, ऐसे तैयार किया जा रहा है माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा, कि जैसे कि साल भर में एक बार होता था, उसको पूरा साल करवा दे रहा है प्रोड्यूस, ऐसा कंडीशन उसमें पैदा कर दिया जा रहा है। प्रोटेक्टिंग इंडेजर एंड एंडेमिक प्लांट, है ना, ये क्यों किया जाता है, पहला बहुत ज़्यादा यील्ड प्राप्त करने के लिए, है ना, ताकि क्या हो सके, हमें आपूर्ति हो सके ये बढ़ते पॉपुलेशन में। दूसरा, वैसा प्लांट्स जो कि खत्म होने के कगार पर है, इंडेजर मतलब, है ना, एंडेमिक मतलब कहीं नहीं पाया रहा, उसको लाकर हम इसको क्या करें, ग्रो करवा रहे हैं। तो ये समझ क्या था, एडवांटेज था हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन का, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें, नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट्स करें, नहीं समझ में आया, है ना, बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।